जयन सोने मात्र। बॉलीवुड में आरोप प्रत्यारोप कोई आज की बात नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और इस बार जो हुआ है वो ऐसा है जिसके की तरफ ध्यान लगभग सभी का जाने वाला है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा जो कि आज की डेट में हॉलीवुड का रुख कर चुकी हैं, उन्होंने बॉलीवुड के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ी। हाल ही में डेक्स शेफर्ड के पॉडकास्ट शो आर्मचेयर एक्सपर्ट में प्रियंका ने कहा कि करियर के पीक पर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी और सिंगिंग करना शुरू किया। वो अमेरिका में अपने लिए काम तलाश रही थी। प्रियंका ने कहा कि उन्हें बॉलीवुड में मन मुताबिक काम नहीं मिल पा रहा था और वो इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स से परेशान हो गई थी। वो बॉलीवुड में मिलने वाले काम से खुश भी नहीं थी। प्रियंका ने आगे कहा कि देसी हिट्स की अंजलि आचार्य ने मुझे एक बार किसी म्यूजिक वीडियो में देखा और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उस समय मैं सात खून माफ की शूटिंग कर रही थी। अंजलि ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अमेरिका में अपना म्यूजिक करियर बनाना चाहूँगी। मैं उस वक्त बॉलीवुड से भागने की कोशिश कर ही रही थी और रास्ते तलाश रही थी। मैं यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज रही थी। मुझे इंडस्ट्री में एक कोने में धकेला जा रहा था। लोग मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे, मुझे लोगों से शिकायतें थी। मैं उस तरह के गेम खेलने में अच्छी नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स से थक गई थी और मुझे एक ब्रेक की सख्त ज़रूरत थी। अमेरिका जाकर म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करने के मौके के ऊपर प्रियंका ने कहा कि म्यूज़िक की वजह से मुझे दुनिया के दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। जो फिल्में मुझे मिल रही थी उनके लिए मैं कभी तरसती नहीं। मैंने इंडस्ट्री में तब तक काफ़ी काम कर लिया था और अब मुझे नहीं लगा कि आगे मैं इसे करना चाहती हूँ। इसलिए जब म्यूज़िक का ऑफर आया तो मैंने कहा कि भाड़ में जाओ, मैं तो चलती हूँ अमेरिका। प्रियंका ने साल 2012 में म्यूज़िक करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला गाना इन माई सिटी था। इसके अलावा उन्होंने एग्जॉटिक, आई कांट मेक यू लव मी जैसे गाने गाए। उन्होंने साल 2015 में आई फिल्म मैरी कॉम में अपना पहला बॉलीवुड गाना भी गाया था। प्रियंका चोपड़ा ने म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने पिटबुल, फॉर विलियम्स और जे जेड जैसे इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ भी काम किया। हालांकि म्यूज़िक में उनका करियर नहीं चल सका। इस दौरान प्रियंका को एहसास हुआ कि उनकी एक्टिंग तो पहले से ही अच्छी है। इसके बाद किसी ने प्रियंका को सुझाव दिया कि वो अमेरिका में एक्टिंग में भी हाथ आजमा सकती हैं। प्रियंका ने बॉलीवुड में करीब 53 फिल्मों में काम किया है जिनमें बर्फी, बाजीराव मस्तानी, दोस्ताना, क्रिश और डॉन 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म 2019 में आई द स्काई इज पिंक थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ खास नहीं। हालांकि 2015 के बाद से प्रियंका बॉलीवुड फिल्म में ज़्यादा एक्टिव रही भी नहीं है। वो अब हॉलीवुड फिल्मों और इंटरनेशनल शोज में अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुकी। प्रियंका ने साल 2015 में क्वांटिको शो से हॉलीवुड में एक्टिंग की शुरुआत भी करी थी। इसके बाद उन्होंने 2017 में बेवॉच में काम किया। 2018 में वो फिल्म अ किड लाइक जैक और 2019 में उनकी फिल्म इज़न्ट इट रोमांटिक आई थी। 2023 में प्रियंका सिटाडेल और लव अगेन में नजर आने वाली। इसके अलावा उनकी अगली बॉलीवुड फिल्म जीले जरा भी, जिसमें प्रियंका के साथ आलिया और कैटरीना कैफ दिखाई देने वाली। इन सब के बीच कंगना रनौत ने प्रियंका के बॉलीवुड इंडस्ट्री से बाहर जाने के लिए करण जौहर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। कंगना ने कहा कि करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को इंडस्ट्री से एक तरह से बैन कर दिया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि करण जौहर ने आउटसाइडर्स को मौका नहीं दिया। प्रियंका आउटसाइडर थी इसलिए उन्हें कोई अपनी फिल्म में कास्ट नहीं कर रहा था। यही वजह है कि प्रियंका इंडस्ट्री में काफ़ी टकराव महसूस कर रही थी। कंगना ने आगे लिखा कि प्रियंका को कुछ लोगों से शिकायत थी। वो उनकी बातों और कंडीशंस पर राजी नहीं थी इसलिए उन्हें कॉर्नर किया जा रहा था। उनके लिए इसे एक मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा था। इस वजह से उन्होंने अपने मैनेजर अंजुला आचार्य की मदद से बॉलीवुड को एग्जिट कर दिया। हालांकि इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने बिना किसी का नाम लिए इंडस्ट्री से कॉर्नर किए जाने की बात कही थी। कंगना ने थ्रेड में आगे लिखा कि प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में ये बताया है कि लोगों ने उन्हें बुली किया, उनके खिलाफ गए और उन्होंने प्रियंका जैसी सेल्फ मेड वुमन को इंडस्ट्री छोड़ने को मजबूर कर दिया। सब जानते हैं करण जौहर ने उन्हें बैन कर दिया था। कंगना ने आगे लिखा कि मीडिया ने कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया है कि प्रियंका और शाहरुख की दोस्ती की वजह से करण जौहर ने प्रियंका को लगभग बॉयकॉट कर दिया। कंगना ने करण जौहर को एक क्रूएल मूवी माफिया कहते हुए कहा कि वो हमेशा आउटसाइडर्स को बाहर खदेड़ने की फिराक में ही लगा रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मूवी माफिया को प्रियंका में अपने लिए परफेक्ट पंचिंग बैग मिल गया और उन्होंने प्रियंका को इस हद तक परेशान किया कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, देश छोड़ना पड़ा। कंगना ने कहा कि ऐसे बेकार, टॉक्सिक, जेलस और घिनौने आदमी के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री का कल्चर बिगाड़ने के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ये इंडस्ट्री इससे पहले कभी भी आउटसाइडर से भेदभाव नहीं करती थी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के दिनों में ऐसा कम होता था। उनके पूरे गैंग और माफिया पीआर पर रेड होनी चाहिए और बाहर वालों को परेशान करने, टॉर्चर करने और बाकी चीज़ों के लिए उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दूं कि कॉफी विद करण सीजन 5 में कंगना ने करण को नेपोटिज्म का नेता कहा था। कई मौकों पर कंगना ने कहा है कि मुझे काम नहीं मिलता और इसके लिए कहीं ना कहीं करण जौहर ही जिम्मेदार है। अब ये जो पूरा मामला है ये प्रियंका चोपड़ा के कहने के बाद उतना ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं हुआ था जितना कि कंगना के इन्वॉल्वमेंट की बात हो गया है। अब कंगना ने जो बात कही है कई लोग हैं जो कि उनकी बातों से इत्तेफाक भी रखते हुए नजर आते हैं।
और जाहिर सी बात है उनकी बात से इतफाक इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड के खिलाफ एक अलग ही लेवल पर मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा की बात का अगर हम ख्याल करें तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में प्रियंका चोपड़ा को किसी ने साइडलाइन किया था या वो सिर्फ बॉलीवुड को मतलब टारगेट करने के लिए या कुछ इस तरीके से कि नहीं भैया ठीक है बोलना ज़रूरी है वाली बात आ जाती है कि बॉलीवुड को बोल के लोग सुर्खियों में आ जाते हैं इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।